हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी ज्ञान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी पांच ऐसे टिप्स जिससे गर्भवती महिला जो होती है उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी हो जाती है। क्योंकि देखिए, सिजेरियन डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है, उस समय पता नहीं चलता क्योंकि इंजेक्शन वगैरह देकर डॉक्टर्स हमारी बॉडी को सुन्न कर देते हैं। लेकिन बाद में जो वो 3-4 महीने रिकवरी करने में लग जाते हैं, वो बहुत ही दिक्कत वाला समय होता है। तो एक गर्भवती महिला को अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। क्योंकि आजकल के समय में 100% में से कम 80% 85% जो लेडीज़ हैं उनका सिजेरियन होने लग गई है। सिजेरियन से ही, ऑपरेशन से ही बच्चे होते हैं, ऑपरेशन से ही डिलीवरी होती है। तो कुछ मैं ऐसे टिप्स बता रही हूँ, अगर हमने फॉलो करती हैं गर्भवती महिलाएं तो बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी के। तो देखिए, कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ, अगर इनका ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी। देखिए, बच्चे को जन्म देते समय एक बहुत ही दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ मतलब शरीर में होती है। ये हर एक गर्भवती महिला को, जो स्पेशली न्यू मदर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बेबी को पैदा करने वाली है, उनको नहीं अंदाज़ा होता। तो देखिए, माँ को ना मतलब कहीं ना कहीं सुना तो हमने होता ही है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का दूसरा जन्म होता है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि वो जो समय होता है वो इतना पीड़ादायक होता है, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये हर माँ को, हर गर्भवती महिला को अपने मन में ये बात मजबूती से ठान लेनी चाहिए, अपने मन में समझा लेनी चाहिए कि कितना भी दर्द होगा मैं सह लूँगी। कहीं ना कहीं देखिए, जो हम अपने आप से बोलते हैं वही हम बनते हैं। अपने आप को मजबूत कीजिए, सबसे बड़ी बात है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि वो समय बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा पीड़ादायक होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय का ये दर्द होता है, बाद में बिल्कुल ईजी हो जाता है हमारा, मतलब रिकवरी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो आप ये चीज़ अपने आप को मजबूती दीजिए, अपने आप को बोल बोल कर कि कोई कितना भी दर्द होगा मैं सहन करूँगी। तो फ्रेंड, देखिए सबसे ज़रूरी बात तो ये है, जब बच्चा पैदा होता है कम से कम 300 से 400 ml खून हमारे शरीर से निकल जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अपने शरीर के अंदर कैल्शियम आयरन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें। खाद्य पदार्थ ऐसे शामिल करें जो कैल्शियम रिच, कैल्शियम और रिच आयरन से भरपूर हो। तो ऐसा आप अगर खाएंगी तो आपके शरीर में खून की मात्रा पूरी होगी, जिससे आपको डिलीवरी में आसानी होगी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप दिन में ज़रूर पिएं, क्योंकि अगर पानी की कमी शरीर में हो जाती है तो भी कहीं ना कहीं ये सिजेरियन का कारण बनती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में ज़रूर पीना चाहिए। और जहाँ तक हो, पानी को थोड़ा उबाल के पिएं, गुनगुना पानी पिएं। गर्मी हो चाहे सर्दी, आप ये हैबिट बनाएंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। एकदम बिल्कुल ठंडा पानी ना पिएं, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर पानी पिए, रखा हुआ पानी पिए और पानी को उबाल के पीजिए। अच्छे शरीर को, अपने शरीर को आप अच्छे से हिलाएं डुलाएं, क्योंकि जब हम पड़े रहते हैं गर्भावस्था के दौरान, बहुत सी महिलाएं एकदम से पड़ी रहती हैं। डॉक्टर्स बताते हैं 9 महीने का रेस्ट है। तो देखिए, डॉक्टरों का कुछ नहीं जाता, वो सिर्फ ये बोल देते हैं आप 9 महीने तक बेड पर रेस्ट करिए, लेकिन ये शरीर सिर्फ आपके शरीर को भुगतना पड़ता है। हाँ, कुछ लेडीज़ ज़्यादा ही वीक होती हैं अंदर से, तो उनकी एक अलग बात है, वरना अगर एक हेल्दी लेडीज़ हैं, अच्छे से लगती हैं, तो अपने शरीर को आप अच्छे से हिलाएं डुलाएं, थोड़े बहुत घर के काम करते रहें, जिससे आपका शरीर हिलेगा डुलेगा। तो ये भी अपने जैसे रोज़मर्रा के काम है, वो भी अगर आप खुद करती हैं तो भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जितनी आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है तो उससे सिजेरियन का खतरा नहीं होता और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में नॉर्मल डिलीवरी होना एक वरदान जैसा हो गया है। क्योंकि जिसको भी सुनते हैं उसी के बारे में, हाँ ऑपरेशन हुआ है, इसका भी ऑपरेशन हुआ है, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी एक वरदान जैसा हो गया है। और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, अगर आप अपने खान पान का पूरा ध्यान रखेंगी तो भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप नहीं कुछ खाती हैं, शरीर में ताकत नहीं होती है, और जब ताकत नहीं होगी तो आप, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत जोर लगाने की ताकत की ज़रूरत होती है, जब शरीर में ही ताकत नहीं होगी तो आप कहाँ से जोर लगा पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करें, डाइट अच्छे से लें, अच्छी डाइट लें, अच्छे से खाएँ पिएँ, शरीर को ताकत दीजिए। इससे आपके शिशु को भी एनर्जी मिलती है, उसी से आपके बच्चे का विकास होता है, तभी आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी अच्छे से मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू मिल पाती है, और वो भी हेल्दी वेल्दी होता है। गर्भवती महिला को 8 से 10 घंटे की नींद भी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी, जब गर्भवती महिला अच्छे से नींद लेगी तो आपके बच्चे को और आपको आराम मिलेगा, और कहीं ना कहीं
ये नहीं आप पूरे दिन सोते ही रहे, सोना भी नहीं है, कम से कम 8-10 घंटे की, 24 घंटे में आपने कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद अवश्य ली। आप दिन में भी 1-1.5 घंटा रेस्ट कर सकती हैं। प्रोटीन और विटामिन कैल्शियम की मात्रा अपने शरीर में पूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर शरीर खाने पीने में आपका कंजूसी करेंगी, अगर ढंग में नहीं खाएंगी तो सिजेरियन का कारण, बिल्कुल सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्भावस्था के, अब देखिए मैं 2 पॉइंट ऐसे बता रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं सुनना। गर्भावस्था के 9वें महीने में, जब गर्भवती महिला को 9वां महीना जब लग जाता है, तो आपने सबसे बढ़िया वाली जो एक्सरसाइज है वो करनी है। आप उठिए, उठना बैठना, उठना बैठना एक जो एक्सरसाइज होती है, उठने बैठने की, और उकड़ू आपने बैठना है, पैरों के बल उकड़ू जब बैठते हैं हम, इस तरह की आप उठने बैठने की एक्सरसाइज कम से कम 9वां महीना जब लगे, 9वें महीने के 2-3 दिन चले जाएं, तब आप ये एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। उकड़ू बैठिए, उठिए, उकड़ू बैठिए, उठिए, कम से कम 20 बार ये सुबह कीजिए, 20 बार शाम को कीजिए। इससे आपके सिजेरियन के चांसेस कम हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे, इस एक्सरसाइज से बच्चा पेट में अच्छी तरह से मूवमेंट करता है, अच्छे से हिलता डुलता है। आप ये एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, और ज़्यादा थोड़ा सा अगर आप खाली हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए उकड़ू बैठने की, 2-4-5 मिनट आप उकड़ू बैठते रहिए बीच बीच में, तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी नॉर्मल डिलीवरी करने में। और जब गर्भावस्था का आपका 9वां महीना लग जाता है, तब आपने 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी होता है, जो 1 गिलास दूध के अंदर 2 चम्मच देसी घी, टीस्पून खाने वाला चम्मच होता है, उसको डालिए और अच्छे से उस दूध को पका लीजिए। जब वो 1 गिलास से पौना गिलास रह जाए, तब आप उस दूध को पीजिए। अगर आप रेगुलर ये करेंगी, आपने ये दूध डेली दूध वाला घी वाला सॉरी दूध पिएंगी, तो इससे आपका जो गर्भाशय है वो चिकनाहट उसमें आ जाती है, चिकना हो जाता है, और चिकना जब आपका गर्भाशय हो जाता है तो बच्चा उसमें अच्छे से मूवमेंट करने लगता है, बच्चा चिकना हो जाता है, जिससे ये नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना देता है और नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने पर्सनली की है, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी खुद की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो आपको कैसा लगा वो वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप कोई भी अगर क्वेरी है। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।